बरगाड़ी मामले विच डेरा मुखी राम रहीम होए मुख तौर ते नामजद। अदालत ने 4 मई नूं सवेरे 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं पेश होण दे दित्ते हुक्म। राम रहीम दी गिरफ्तारी नूं लैके विरोधी धिरां ने साधे केजरीवाल ते निशाने। बरगाड़ी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी के मामले च गठित की गई विशेष जांच टीम वालों की गई जांच के आधार से डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं हुणे-हुणे मुख दोषी वजो नामजद किया गया। FIR नंबर 128 ते विवादित पोस्टर लगाउण दे मामले संबंधी दर्ज FIR नंबर 117 च डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं मुख दोषी वजो नामजद कर दिता गया। जिक्रयोग है कि विशेष जांच टीम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड साहिब नूं चोरी करन दे मामले च डेरा मुखी नूं पहलां ही मुख दोषी वजो नामजद कर चुकी सी। फरीदकोट अदालत वालों डेरा मुखी नूं 4 मई नूं सवेरे 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं पेश होण दे हुक्म दे दिते गए ने। दस दिंदे आ विशेष जांच टीम ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी तो बाद उन्हां दे अंग गलियां विच खलारन ते एतराज़योग पोस्टर लगाउण दे मामले विच राम रहीम नूं मुलजम वजो नामजद किया है। इस मामले च 7 डेरा प्रेमियों खिलाफ विशेष जांच टीम पहला ही चलान पेश कर चुकी है। जांच टीम ने अदालत नूं दस्सिया कि इस मामले की साजिश रचन विच डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम मुख तौर पर शामिल ने, जो इस समय सुनारिया जेल च नज़रबंद ने। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैडम तर्जनी ने सुनारिया जेल के सुपरिटेंडेंट नूं लिखती हदायत की है कि डेरा मुखी नूं 4 मई नूं सवेरे हर हाल विच 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अदालत विच पेश किया जावे। हालांकि जांच टीम की कोशिशों के बावजूद डेरा सच्चा सौदा मुखी फरीदकोट अदालत च पेश नहीं हुई, जबकि जांच टीम डेरा मुखी तो सुनारिया जेल जाके उच्च पदरी पूछ पड़ताल कर चुकी है। इस मुद्दे ते विरोधी धिरां ने भी आम आदमी पार्टी नूं घेरिया है। विरोधी धिरां कह रही ने कि कांग्रेस नूं ललकारिया गया सी कि राम रहीम दे खिलाफ कार्रवाई सख्त क्यों नहीं हो रही, ते हुण फिर आम आदमी पार्टी ने अदालत तो क्यों समा मंगया, हुण कौन रोक रहा उन्हां नूं कार्रवाई करन तो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए है। चढ़दी कला टाइम TV ब्यूरो रिपोर्ट।